नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप अपने हाथ की शेप और उंगलियों के बड़े छोटे होने से ये बता सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में घटने वाला है और कितने ज़्यादा हम कामयाब होंगे, हमारे पास धन कितना आएगा, जो लक्ष्मी कितनी आएगी, धन कितना रहेगा, उसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो अपना हाथ जरूर चेक कर लें, इसमें जितने भी हमें प्रकार यहाँ पर बताऊंगा, अपने हाथ को देखें तो अब आपको मालूम चल सके कि हमारी किस्मत भी सिर्फ सोई रहेगी कि अब जागेगी ही भी कभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने हाथ पढ़वाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के साथ आप जुड़ सकते हैं, वो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला हाथ। ये हाथ जो है काफ़ी लोगों के जो है बनता है ऐसा हाथ। और इस हाथ में क्या खासियत आपको दिख रही है? ये हाथ जो है लंबा हाथ है। ठीक है, लंबाई में काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब जो हथेली का साइज़ होगा वो भी लंबा होगा, और फिंगर जो है काफ़ी लंबी लंबी आपको देखने को मिले। ठीक है, और फिंगर्स में कोई जो है गैप ना हो, और फिंगर्स में कोई टिल्टेशन ना हो, कोई फिंगर जो है इधर उधर मुड़ी ना हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपको हाथ में लंबाई नज़र आएगी, जितनी ज़्यादा आपको हाथ में लंबाई नज़र आए, वो व्यक्ति धनवान होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद धन आगे ही आएगा, लक्ष्मी की कृपा उस पर होगी होगी। ठीक है, तो ये आप मान के चले कि जहाँ पर आपको जिस व्यक्ति का हाथ लंबा दिख जाए, हल्का सा पिंकिश रंग हो और आपको लंबा हाथ दिख जाए, फिंगर्स लंबी हो, तो आप मान के चलेंगे उसके पास आपसे और औरों से धन अधिक आने वाला है और है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे हाथ की अगर बढ़ें तो आपको यहाँ पर दिखेगा दूसरा हाथ कैसा हाथ है। दूसरे हाथ में आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको फिंगर्स लंबी दिखेंगी, फिंगर्स की जो लेंथ है लंबी है, और जो हथेली का साइज़ है वो छोटा हो जाता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा, हमने ये तो बात कर ली कि फिंगर्स भी लंबी है, हथेली भी लंबी है, लेकिन कई हाथों में आपने देखा होगा कि सिर्फ फिंगर्स लंबी होती हैं और यहाँ पर हथेली का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। तो इसका क्या मतलब है? जब अगर आपका हाथ ऐसा है तो आप मान के ये चलें कि जीवन में आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर फिंगर्स की लंबाई जो है अधिक हो जाती है तो व्यक्ति डिसीजन तो अच्छे लेता ही लेता है, लेकिन उसका डिसीजन जो है कभी जो है उसका साथ देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। जहाँ पर थोड़ी हथेली का साइज छोटा हो जाता है, वहाँ पर इच्छा शक्ति भी थोड़ी कम हो जाती है, दूसरे के मुकाबले जो है ऐसे जहाँ तक थोड़ा सा कह सकते हैं कि संघर्ष करते हुए देखे गए हैं, जहाँ पर फिंगर्स बड़ी हो जाएं और हथेली का साइज जो है छोटा रह जाए, ऐसे जहाँ तक परिश्रम भी बहुत होंगे और मेहनत से ही कामयाब होंगे, उनके हाथ में जो किस्मत है, जो किस्मत का साथ है, वो मेहनत से ही जागेगा। तो ये तो दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी के हम पढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी में आप क्या देखेंगे कि आपको दिखेगा कि फिंगर छोटी होती है, फिंगर जो है छोटी होंगी, हथेली का साइज़ जो है मीडियम साइज़ का होगा, और हम कह सकते हैं कि हथेली का साइज़ मीडियम साइज़ का होगा, और जो फिंगर्स हैं बड़ी होती हैं, सभी फिंगर जो है छोटी होंगी और हथेली जो है छोटी, मतलब कह सकते हैं कि मीडियम साइज़ की होगी और फिंगर छोटी होंगी। तो ऐसे जातक क्या होते हैं? ऐसे जातक जो होते हैं अपने जब उनकी उम्र जो है 35 क्रॉस करती है, ऐसे जातक की भाग्य उदय होने के चांस रहते हैं। ऐसे जातक जो है 35 वर्ष के बाद ही अपने जीवन में वो सफलता पाते हैं जो पाना चाहते हैं। आप ये तय कर लें, 100% श्योर है, जहाँ पर आपको हथेली में फिंगर छोटी नज़र आ जाए तो आप मान के चले कि 35 के बाद ही भाग्य उदय होगा। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, और ऐसे जातक की इच्छा शक्ति बहुत तीव्र होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इच्छा शक्ति जो है मजबूत होती है। ऐसे जातक कभी घबराते नहीं है, लेकिन ऐसे जातक थोड़े कटुर होते हैं, बोलने के थोड़े कटुर होंगे, उनकी वाणी में थोड़ी कट्टरता आपको नजर आएगी, दूसरों को कितना ज़्यादा मतलब बुरा लग जाए ये इस बारे में नहीं सोचते हैं, और अपनी बात को वो आगे रख देते हैं। ऐसे जातक धनवान तो देखे गए हैं, लेकिन ऐसे जातक जो है धनवान तो देखे गए हैं लेकिन कंजूस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं। ऐसे जातक का भाग्य उदय होता है 35 के बाद अचानक से। ठीक है, तो ये तो तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरीज में आपको देखने को आता है कि फिंगर छोटी है, साथ में हथेली का जो ऊबड़ खाबड़ है, मतलब हथेली के जो साइज़ है ऊबड़ खाबड़ है, आपको 20 से आपको पतला होता हुआ हाथ नज़र आएगा और नीचे से आपको मोटा हाथ होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में संघर्ष करता है। ठीक है,
जहाँ पर आपको फिंगर्स बहुत छोटी दिख जाए और हथेली का साइज ठीक है, लेकिन यहाँ पर उबड़ खाबड़ है, मतलब ऊपर से मोटाई है नीचे से पतलापन है, या फिर ऊपर से पतलापन नीचे से मोटाई है, तो आपको ये जातक जो है संघर्ष करते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे जातक जो है हमेशा किसी न किसी फील्ड में भटकते रहते हैं, किसी न किसी नज़रिए से भटकते रहते हैं, उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मिल पाता है, ठीक है। और ऐसे जातक के पास जो धन है, जो लक्ष्मी है, वो ठहरती नहीं है, और आने वाले टाइम में जो धन है उनके पास जो है कभी भी रुकता नहीं है, और ऐसे जातक खर्चीले भी देखे गए हैं, ठीक है। तो ये हथेली के साइज़ से हमें पता कर सकते हैं और कि हथेली का साइज़ कैसा है, हथेली की रंगत कैसी है, और इससे ही हमें ये देखने को मिलता है कि कब यहाँ पर हमारा भाग्योदय होगा, कब यहाँ पर हमारा भाग्य चमकेगा। जैसे मैंने आपको पहला सबसे हाथ बताया, वो धन के लिए सबसे शुभ हाथ माना जाता है, जहाँ पर आपको दिखे कि हथेली का साइज़ बहुत बड़ा है, हथेली की रंगत अच्छी है, फिंगर्स लंबी हैं, तो ये साइज़ यहाँ पर बहुत मैटर करता है धन के लिए, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, आप इसको ज़रूर देखें और इसको बाकी लोगों को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको रेखाएँ देखने नहीं आती हैं तो हाथ की स्ट्रक्चर और हाथ की बनावट से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कब भाग्य चमकेगा और कितना धन हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसको शेयर करें, धन्यवाद आपका।